जय श्री महाकाल जी। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे वो ट्रक जिसकी आप लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस देखी होंगी। मैं थोड़ा सा बाइक की चाबी जो है वो ऑफ कर देता हूँ और बाइक तो फिलहाल खड़ी कर दी है यहाँ पे। मैं आ चुका हूँ उस ट्रक के पास में, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। सुबह मैं आया था इंस्टाग्राम पर लाइव और आज कल ये मैंने कहा था कि वीडियो नहीं आएगी आज, बट ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ नहीं है, बट वो सारी चीज़ें नहीं डालना चाहता मैं। सबसे पहले आप लोगों को जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता कितना क्लियर विजिबिलिटी है कितनी नहीं है, पर मैं इस जगह पे वापस खड़ा हूँ, ठीक है। और मैं क्यों आया हूँ, क्योंकि आप लोग चाहते हो इस लोकेशन को क्लियर करवाना, तो हम जितना हो सकता है उतनी कोशिश करेंगे। आज की डेट है अच्छा 23 सितंबर, तो मैं खड़ा हूँ इस जगह पर ट्रक के पास और टाइम है लगभग 11:30 12 के आसपास का टाइम है। मैं इस जगह पे आया हूँ पर्सनली, सिर्फ बाइक चला करके अकेला इस जगह पे इसलिए आया हूँ, बाइक वो खड़ी और मैं हूँ अकेला। अकेला में डर वाली बात मैं नहीं कहता, डर वाली बात है अभी। मैं सिर्फ और सिर्फ ये लोकेशन आप लोगों को दिखाना चाहता था कि ये ट्रक आज भी इस जगह पे खड़ा है। लगभग 1 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन हम जितना जल्दी हो सकता है उस इस ट्रक को यहाँ से रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना, घर सबका चलना चाहिए। हमारी वजह से, मैं नहीं कहता हमारी वजह से, हमारे महादेव जी की कृपा सब पे बनी रहे, वो सब खुश रहें। हम सिर्फ इतना सा चाहते हैं। इस ट्रक के पास मैं खड़ा हूँ और इस ट्रक पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कुछ अभी नज़र आ रहा है या है कि नहीं, आई डोंट नो। शीशे अभी बंद है और खुलते हैं कि नहीं खुलते दरवाजे, भाई सीन बहुत अलग है। तो मैं दिखाऊंगा ये आपको ट्रक, ठीक है, पूरा ट्रक दिखाऊंगा। और इस टाइम पे क्यों आया हूँ, इसकी एक वजह है। ये जो वजह है ना, वो है कि इस जगह पे रात के वक्त में कोई नहीं आता। अपने आप से ये स्टार्ट होता है, अपने आप से इसकी लाइटें जलती है और अपने आप से जो इसका मूवमेंट आप देख रहे हो ना, इससे पहले ये खड़ा था उस तरफ मुँह करके, मीन्स उस तरफ में इसका मुँह था, ठीक है, इस तरफ में, और अभी जो है इस तरफ मुँह हो गया। तो ये विदाउट ड्राइवर हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ क्लियर। तो इस रूह होती है ना, किसी एनिटी होती है, तो वो ये सब कुछ कर रही है। अब क्या वजह है क्या नहीं, वो अब तक पता नहीं चल पाया क्लियर वे में। अगर मैं कहूँ आप लोगों को, तो किसी को पता नहीं चल पाया है, बट हो सकता है, मे बी एक चीज़ ये हो सकती है कि ना यहाँ पे किसी की डेथ हुई हो, यहाँ पे हो सकता है, मे बी यहाँ पे, और हो सकता है कि मैंने ट्रक ड्राइवर, ये जो मालिक है इनके, मैंने इनसे बात करी थी, इन्होंने लगभग ये ख़रीदा था 4.5 साल पहले, ये जो गाड़ी है इनकी, इन्होंने 4.5 साल पहले ख़रीदी थी लगभग, मुझे ये बताया गया है। और इनका ये कहना है कि इससे पहले इसका मालिक कोई और था, तो हो सकता है मे बी कि देखो ट्रक हादसे बहुत होते रहते। रिसेंट में हमारे जो गांव से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर एक हाईवे है, NH-8, ठीक है, उस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है बहुत भारी, मतलब 5 लोग थे उसमें। मेरे भाइयों का मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ जो एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी चीज़ को ना नज़रअंदाज किया जा सकता है, ना ही किसी चीज़ को ओवर रिएक्ट किया जा सकता है। जो हादसा हुआ है वो इतना आसान नहीं है, ना भुलाया जा सकता है, क्योंकि देखो आपके घर में अगर आप हो और आपकी, भले आपको आपके घर में गाली दी जा रही हो, बट सच बताऊँ ना, आपकी अहमियत होती है उस जगह पे, और उस अहमियत को समझो प्लीज़। देखो ज़िंदगी है, ज़िंदगी को समझना ज़रूरी है। मेरा हाथ दर्द होने लग गया था भाई, तो मैंने दूसरे हाथ में होल्ड कर लिया कैमरे को, फ़ोन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेलर यहाँ खड़ा है, एक्सीडेंट हुआ था, मुझे प्रॉपर वजह नहीं पता, तो मैं इस बारे में बात नहीं करूँगा कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ था। लेकिन 3 लोग जो मेरे 3 भाई हैं, वो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी, 2 को हॉस्पिटल ले जाया गया और एक नेक्स्ट डे या सेम डे उनकी डेथ हो गई, देन उसके अगले दिन एक और पर्सन उनकी डेथ हो गई। तो देखो ना, ये मतलब ना, ये हमारे आसपास के थे, हमारे भाई जो थे वो हमारे आसपास के थे,
बट मैं कहता हूँ कि देखो जिंदगी उसने दी है, तो एक अच्छी जगह एक अच्छे वे में अगर आप उसको जीतते हो तो उसका बेनिफिट है, ठीक है। बट देखो वो शायद हो सकता है कि होनी लिखी हो। बर्थडे था एक मेरे भाई का, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे महादेव उनकी आत्मा को शांति दे और मुक्ति प्रदान करें। बस लेकिन ना उस हाईवे पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं। वैसा ही अगर मैं बात करना चाहूँ तो हो सकता है मे बी रिमाइंडर आ गया पानी पीने के लिए, तो मे बी हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। ये है ट्रक, ठीक है, और हो सकता है कि भाई ना मैं इसके उस तरफ जाके दिखाता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि पहले कभी ऐसा कुछ हुआ हो, आई डोंट नो। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं इस जगह पे बैठ सकता हूँ, अभी इस जगह पे मैं बैठ के आप लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रात के टाइम में अचानक से, मैं कौन से भैया की बात कर रहा हूँ, वो जो उधर वाले भैया ना, उधर वाले वो जो पहिए हैं वो ऑटोमेटिक मूव करते हैं, ऑटोमेटिक ये स्टार्ट होता है। ऑटोमेटिक चीज़ें बहुत अलग होती है। मैं आप लोगों के सामने लोकेशन लेके आ रहा हूँ, ये जगह लेकर के आ रहा हूँ मेनली इस टाइम पे, क्योंकि देखो वीडियोस बहुत सारी है, लोकेशन की भी है, बट नहीं डाल रहा क्योंकि प्रायोरिटी में एक छोटी सी चीज़ रख रहा हूँ कि इस जगह को रिलीज़ किया जाए। सबसे पहले इस ट्रेलर को इस जगह से रिलीज़ किया जाए, और कोशिश पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट सही हो जाएगा सब कुछ, मैं इतना सा कहना चाहता हूँ। अब चलते हैं इधर की तरफ थोड़ा सा, ठीक है, इधर चलते हैं भाई कुछ। अब दिन का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ भाई। ये जो टायर है ना, ये ऑटो मूव करते हैं, मतलब ऐसे अभी हाथ से मूव कर रहा हूँ, वैसे ही ये कुछ अपने आप से मूव करते हैं। वैसे अभी मैंने इसको ना हाथ से इस तरह मूव किया, ठीक है, तो ये इस तरह से अपने आप से मूव करते हैं। और पहले जो ये खड़ा था वो जगह थी ये, ठीक है, ये वाली जगह थी पहले जहाँ ये खड़ा था, तो अभी जहाँ खड़ा है वो जगह आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। पीछे पेड़ टूटा हुआ है, इधर बबूल के पेड़ है सारे। और मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ भाई, ये जो है किसी की रोज़ी है, रोटी है, और मैं भी अगर इनके मालिक अगर इनको यहाँ खड़ा करते तो इस हालत में तो बिल्कुल नहीं करते, इस तरह से तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो ये जो सब कुछ किया कराया है, मैं इसके ऊपर चढ़ सकता हूँ विदाउट एनी इशू, मैं फुल्ली परमिट होकर फिर उसके बाद यहाँ आया हूँ। बट मेरे को चढ़ना कहाँ से है, मेरे को ये देखना पड़ेगा, मेरे को चढ़ना नहीं वाला, चढ़ने का नहीं बैठ रहा यार, मतलब एक हाथ से फोन को हैंडल करना चाहिए उसके बाद चढ़ना। तो मैं चढ़ता हूँ आगे से, कोशिश करता हूँ आगे से चढ़ने की, ठीक है, यहाँ से इधर से मैं चढ़ सकता हूँ इस पर। तो मैं एक हाथ में फ़ोन को होल्ड कर रखा है, देन उसके बाद तो उसके हाथ से कट मत करना। ये जो है ट्रक, मैं खड़ा हूँ इसके ऊपर, अभी ऐसी कोई वाइब नहीं आ रही, अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ठीक है कि नहीं। मैं चल रहा हूँ इसके ऊपर, ये जो जगह है दिखा रहा हूँ, यहाँ से कुछ ओवरव्यू देने वाला हूँ आपको। ये कांटों में खड़ा है, मैं खड़ा वहाँ पर ट्रक, ठीक है। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं अभी तक, बट यहाँ पे दिन में भी लोग नज़र नहीं आते, दिन में भी यहाँ पे लोग नहीं दिखते हैं, क्या वजह हो सकती है पता नहीं। मैं इसलिए आया हूँ कि चलो थोड़ी देर रुकेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करते हैं फील करने की क्या कुछ अभी भी फील होता है कि नहीं होता है, क्या ऐसे सिर्फ रात को ही होता है। बाकी भाई इतनी बड़ी गाड़ी ऑन करना यही बड़ी बात है, ख़रीदना ही बड़ी बात है, उसके बाद उसको रोड पे चलाना, 17 चीज़ें। और जब इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी रहे ना तो हाल होता है वो आप लोग समझ सकते हो इस इंसान का। मैं आप लोगों से सिर्फ बात कर रहा हूँ, और इस जगह पे इतनी दूर चल करके आया हूँ, वो खड़ी अपनी गाड़ी, ये खड़ी अपनी गाड़ी, ये खड़ा ट्रक, और
एक बात ये भी है कि ये जैसे आपका भाई है ना रावत, सूर्य रावत, वैसे ये ट्रक भी है या ये गाड़ी जो है वो भी रावतों की है हमारे, तो कहीं ना कहीं एक रावत मैं नहीं कहूँगा, देखो जो इंसान है जिसमें इंसानियत है वो तो इंसान हो गया, ठीक है, और जिसमें निभाने की क्षमता है, सच कहता हूँ जो अपने वचन प्राण वचन को जो निभा दे वो इंसान नहीं, उसको आप अभी के वक्त में जो कलयुग चल रहा है ना इस कलयुग में आप उसे भगवान मान सकते हो, बिल्कुल सही। मैं तो कोशिश करता हूँ, देखिए तो कुछ चलता है अंदर चल के देखने की, अंदर जाने का तो मेरा भी है कि अंदर अगर जाना हो जाए तो मैं अंदर जाऊँ और अंदर बैठ के आप लोगों को दिखाऊँ कुछ, बट खुलना तो चाहिए ना लोग, ये तो कौन सा लगा पड़ा पक्का गया हुआ ताबूत भाई। मैं इनके घर नहीं गया था, अगर इनके घर जाता तो मैं मनसा इधर से देखते हैं अभी कुछ खुल जाता है तो। 11 मिनट ये ना बंद है, इनको बंद किया गया है, ठीक है, तो अभी किसी भी तरह से इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कुछ बताने की कुछ जानना जो कुछ अधूरा है वो करने के लिए आया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी ये जो जगह है वो जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और मैं यहाँ खड़ा होकर के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, है ना, तो जो भी है कुछ भी है आप लोगों के सामने मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग प्यार दोगे, सपोर्ट करोगे, और आप लोगों की वजह से आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलेगा इसकी उम्मीद करते हैं। कैसे घुमा लिया जाए, बस ही बात तो तुम लोग करता है, चीजें अभी कुछ और है, रात में कुछ और होती है, थोड़ी देर रुकते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। मैं भी जितना जल्दी हो सकता है से यहाँ से रिलीज़ किया जाए, और पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा नहीं, डोंट माइंड मैं, क्योंकि मेरे को लग रही धूप, थोड़ी देर चलता हूँ मैं इसके नीचे बैठ जाता हूँ, इसके नीचे बैठ के बैठना तो यार रुक जाता हूँ थोड़ी देर, यहाँ पर रुक के बात कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है बार बार, खड़ी अपनी गाड़ी भाई, मेरी गाड़ी है सेकेंड हैंड, ठीक है, नई नहीं है, सेकेंड हैंड। रुकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे, क्या कुछ हम फील करते हैं देखने की कोशिश करते हैं। बाकी वीडियो पे अगर आप अभी तक देख रहे हो, मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना। मैं आप लोगों का भाई सूर्य ऐसे ही कोशिश करता रहूँगा आगे बढ़ने की, आप सभी का प्यार सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ बनाए रखिएगा। मैं रुकता हूँ थोड़ी देर, और अगर कुछ होता है तो रिकॉर्ड करूँगा, है ना। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। वापस आ चुका हूँ उस लोकेशन से, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि उस लोकेशन पे अभी रिसेंट में कुछ भी फील नहीं हुआ, लाइट वापस आ चुकी है, और जो कुछ भी वहाँ पे रात को होता है वो चीज़ें अलग है। मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया था, लगभग 1 घंटे के आसपास मैंने वहाँ टाइम स्पेंड किया और फिर मैं वापस आ गया था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखो चीज़ें जब होती है तो वो नज़र आती है या अपने एहसास दे जाती है, तो अभी के टाइम में मुझे ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, और उस ट्रक के दोनों शीशे आजू बाजू के जो तो गेट थे वो दोनों बंद थे तो मैं अंदर नहीं जा पाया, बट कुछ इशू हो रहा है। तो मैं बस इतना से कहना चाहता हूँ कि जब चीज़ें या उन चीज़ों का जो वक्त हो तब वो ज़रूर सामने आती है, तब वो ज़रूर अपना असर दिखाती है, तब वो ज़रूर ये सारी चीज़ें जो उनके साथ हुआ होगा वो हमें नहीं पता, बट वाकई में इनसे जो चीज़ों का असर होता है, और दिन में ऐसा कुछ फील हुआ नहीं, साफ क्लियर वर्डिंग्स ये है मेरे इस
जब मैं वहां था तब मैंने आप लोगों से बात करी थी कि वो जो हमारे भाई है जिनका एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट सच में जो हमारी इंसान की अहमियत का पता चलती है वो बताता हूँ। 5-5 मिनट अगर आप स्पेंड करो किसी के साथ, कहते हैं जैसे संबंध वैसा ही इंसान, 5 मिनट आप किसी किसान के पास बैठे हुए ना, सच बताऊं वो जो मेहनत करते हैं उस अकॉर्डिंग हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, उतनी तो मेहनत बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और 5 मिनट अगर हम किसी साधु संत के पास बैठते हैं तो ये लगता है कि जो कुछ हमारे पास है जितना है इतना सा भी हो वो सब ध्यान दे। वही 5 मिनट अगर हम किसी राजनेता या पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन के साथ बैठते हैं तो वो बता देता है कि आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, जितना कुछ आपने पढ़ा है वो सब कुछ दरअसल खरा रह गया। और आखिरी बात ये कहूंगा कि वही 5 मिनट आप शमशान में जाके बैठिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आखिर में आना यही है। जिस चीज के हम पीछे भाग रहे हैं, जो कुछ भी हम जितना कुछ भी हम अर्जित कर रहे हैं, जितना सब कुछ हम अचीव कर रहे हैं, वो आखिर में हमारे साथ नहीं जाएगा। हमारे साथ जाएगा तो सिर्फ हमारा प्रेम, हमारा साथ और हमारा बिहेवियर, जिस चीज पे हम कभी ध्यान नहीं देते। हम एक चीज पे ध्यान देते, चाहे आप हो या मैं, एक ही चीज पे ध्यान देते कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, पैसा। और वो वाकई में जरूरी है क्योंकि आपकी नीड्स जो आप चाहते हो सिर्फ उसी से पूरी हो सकती है। हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही हो, तो ये सब कुछ था कुछ बताने का, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। 5 मिनट अगर आप किसी के साथ रहते हो, सच में तो 5 मिनट अगर आपने ध्यान से उस जगह दे दी तो वाकई में आपको चीजें समझ में आने लगी। 5 मिनट सच में तो 5 मिनट ही अपने घर वालों के साथ बैठिए, उस 5 मिनट में आपको एहसास हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। लाइफ बहुत छोटी सी है, कब कहां से बुला हुआ जाए कुछ नहीं कह सकते, और कब किस वक्त क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। मैंने एक इंस्टाग्राम पर मैं सुबह लाइव आया था तब मैंने एक इंसिडेंट शेयर करा था मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं घर जा रहा था रात को 11:30 बजे के आसपास का वक्त था, आनंद भाई को घर पर ड्रॉप करके देना, उसके बाद रास्ते में ही मूड्स मेरा जो सामना हुआ वो कुछ चीजों से हुआ। सबसे पहले चूड़ियां जो पैक थी पॉलिथीन में लपेटी हुई, बिल्कुल नया चूड़ा, सबसे पहले वो नजर आया। उसके बाद नजर आता है पाउडर का डिब्बा, 5 रुपए वाला काले कलर का पाउडर का डिब्बा था, 5 रुपए नजर आता है वो डिब्बा था। देन उससे थोड़ा सा आगे मैं चलता हूँ तो मुझे नजर आता है एक बुजुर्ग सा इंसान जो मुझसे कहता है कि बीड़ी पी ले। ये रियलिटी है, ये मैंने 2 दिन पहले फेस किया है ये जो चीज है वो, और ये मेरे घर के रास्ते की बात है। लगभग मुझे लेट नाइट आते हुए 4 साल से ज्यादा वक्त हो चुका, लेट नाइट आते हुए मैं अकेला जाता हूँ घर पे, चाहे रात के 1 बज रहे हो 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो या सुबह के 4 बज रहे हो, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। तो उस वक्त में मेरे साथ किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, पर लोग हमारे गांव वाले और जो बुजुर्ग है वो कहते हैं कि उस जगह एक केल का पेड़ है वहां पे कुछ होता है। और मेरा उस जगह पे किसी भी तरह से किसी भी चीज से आज तक सामना नहीं हुआ। और जो मेरा सामना हुआ वो है एक पुलिया होती है ना जहाँ पानी बढ़ता है उसकी निकासी के लिए पुलिया बनाई जाती है, उस पुलिया के जस्ट कॉर्नर पे मेरा किसी बुजुर्ग से सामना हुआ जो मुझसे ये कहता है कि बीड़ी पी ले। तब मैंने सवाल किए कुछ कि आप कौन हो, कहाँ जाना है, यहाँ क्या कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए चुप। देन उसके बाद जवाब आता है कि जहां लीक होगा वहां जाना हो जाएगा। थोड़ा सा सुनने के बाद सच बताऊं उस टाइम में मनोस्थिति ऐसी हो जाती है इंसान की क्या सुन रहे हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद में हम पूछते हैं यहाँ क्या कर रहे हो, तो उनका जवाब जो आता है, लगभग मैंने 3-4 मिनट वहां दिए उस जगह पे खड़े होकर,
उनका जवाब था कि श्राद्ध है और मुझे रूप पे जाना है, रूप करना है कुछ भी। श्राद्ध मीन्स की जो पितृ जो होते हैं या हमारे घर के जो पूर्वज हैं इनको खाना खिलाया जाता है, मीन्स की एक पहले रूप किया जाता है नीचे, देन उसके बाद छत की और छत पे रख के आ जाते हैं ताकि कोई गोवा आए और कौवा आए और खा ले। इससे ये माना जाता है कि हमारे पितरों तक वो या हमारे पूर्वजों तक वो भोजन पहुंच चुका है, ऐसा मानते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देन उसके बाद उस इंसान ने, उस पर्सन ने जो बुजुर्ग से इंसान थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आगे तक छोड़ दो, बट लिटरली मेरे जो अंतरात्मा है, मेरा जो मन है, उसने क्लियर मना कर दिया। और मैंने उनसे, मैंने भी मेरे मुंह से उनको फिर मना कर दिया कि मैं नहीं ले जा सकता आपको। और कुछ देर और रुकता हूँ मैं, कुछ सेकंड या कुछ पल के लिए मैं और रुकता हूँ। फिर उसके बाद मैं उन्हें ये कहकर कि आप आ जाइएगा या आप जहाँ जाना चाहते हो वहां चले जाइएगा, कहकर के मैं अपनी गाड़ी को वहां से स्टार्ट करके आगे बढ़ता हूँ। देन उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे जाके मैं वापस पलटता हूँ तो ये देखता हूँ कि उस जगह पे वो बुजुर्ग इंसान नहीं है जो मुझसे ये कह रहा था कि बीड़ी पी लो। तो सामने होता है, ये हमारे घर का रास्ता है, हमारे घर का इंसिडेंट है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस रास्ते पे मैं कंटिन्यूस जाता रहता हूँ, आता रहता हूँ, उस रास्ते पे जिक्र सुने हुए हैं पर कभी सामना नहीं हुआ। जब सामना हुआ तो हम खड़े होकर के उनसे बात की और बात करने के बाद में हम चले गए। चलने के बाद कुछ देर बाद जब हम पलट के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं है, ये वास्तविकता है। इसके बाद हम घर पहुंचे और सच बताऊं पैरों में वाइब्रेशन थी और डर था, और क्योंकि उस वक्त हम अकेले भी थे और चीजें घर जाके फिर हमने आनंद भाई को कॉल किया। आनंद भाई से बात होने के बाद आनंद भाई ने पूछा कि क्या आपने उसका फेस देखा, क्या आपने पैर देखे। तो सच बताऊं घर जाने के बाद ये चीज समझ में आई कि पैर और फेस ये दोनों चीजें तो मैंने नोटिस ही नहीं की, जबकि मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ उस जगह पे। तो वो इंसान था या कुछ और वो बातें नहीं कही जा सकती, पर कुछ पल के लिए कुछ दिखा था जिसने मुझसे बात की, इसने मुझसे कुछ कहा, उसके बाद वो इनविजिबल हो गया। ये कुछ उस टाइम का इंसिडेंट था। देन उसके बाद अगले दिन मैं मंदिर जाता हूँ और उसी वक्त के दौरान, उसी पीरियड में मेरा सामना होता है डेली दो सांपों से, एक ब्लैक कोबरा जो होता है और दूसरा एक और सांप है जिसका मुझे नाम नहीं पता। मेरा सामना होता है, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं मंदिर जाकर सिर्फ यही कहता हूँ कि मुझे इन चीजों से दूर रखिए क्योंकि मैं इन चीजों का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि रोज सांप नजर आना छोटी बात नहीं है। जो सांप पकड़ने वाले हैं, जो इनके बीच में रहते हैं, मैं उनके लिए नहीं कहता, बट जनरली मैंने रेगुलर इतने सांप नहीं देखे। एक रेस्क्यू किया था हमने सांप का और रेस्क्यू करने के बाद हमने उसे रिलीज भी कर दिया था। वो क्लिप होगी तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में। पर उस दिन के बाद में कंटिन्यूस मैंने 7 दिन तक सांप देखे कंटिन्यूस, और 8वें दिन के आसपास, 8वें या 9वें दिन के आसपास मुझे कुछ शख्स नजर आया जिसने मुझसे बात करी। देन उसके अगले दिन मैं मंदिर जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ अपनी, और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मुझे इन सारी चीजों से सामना ना हो। तो मुझे, मेरा 2 दिन तक मुझसे वास्ता नहीं हुआ ना, 2 दिन तक मुझे कोई भी सांप का बच्चा तक नजर नहीं आया 2 दिन तक। देन उसके बाद कल रात को मैं वापस आ रहा था, लेट नाइट था, वक्त था लगभग 1 से 1.5 के बीच का। जिस रास्ते पे मुझे चूड़ी पाउडर हमारे घर का रास्ता है, उसी रास्ते पे वापस से एक सांप नजर आया। फिर उसके बाद मैं चुपचाप से अपनी गति में चलता रहा और घर पहुंच गया। घर जाके अपना आराम से रिलीफ किया। आज सुबह फिर मंदिर गया था, मंदिर जाके मैंने यही गुजारिश करी कि मुझे ये सारी चीजें सुधूर रखी है, क्योंकि एक हद तक होता है जब नजर आती है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ नजर आता है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं आती। ये कुछ बात थी जो मैं आपको कुछ करना चाहता था। बाकी जल्दी ट्रक हो सकता है वहां से रिलीज हो जाए,
और कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार साथ और सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर से डाल दीजिएगा। आप लोगों का साथ सपोर्ट और प्यार जरूरी है। जय श्री महाकाल, खुश रहिए। जल्दी मिलते हैं किसी एक और नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। बाय, जय श्री महाकाल।